और मदरसा एजुकेशन हमारे मुस्लिम समाज के यूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक इंस्टीट्यूशन है, उसके बेहतरी के लिए, उसके तरक्की के लिए, उसके इंफ्रा के डेवलपमेंट के लिए, उसके जो बेसिक्स हैं उसको और इम्प्रूव करने के लिए लगातार योगी सरकार काम कर रही है। जिस तरीके से हमने मदरसा में एनसीईआरटी कोर्स लागू किया, मदरसा को आधुनिक करने के लिए हमने उसको डिजिटलाइज करके एक एप्लीकेशन लाने का काम किया, मदरसों में हमने एनसीसी एनएसएस के माध्यम से वहाँ के बच्चों को फिजिकली इम्प्रूव करने का काम किया, ऐसे ही आगे आने वाले दिनों में हम मदरसा के अंदर जो है जो इंफ्रा है उसको इस लेवल पर पहुँचाएंगे ताकि जो हमारा मुस्लिम बच्चा है जब वहाँ जाएगा उसकी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, उसको माहौल मिले, ताकि उसका एक ओवरऑल डेवलपमेंट का जो हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम पूरा करें। उसी पैटर्न पे होंगे जैसे एनसीईआरटी आईसीएसई ये बोर्ड जो है उसी पैटर्न पे होंगे, जैसे जो बेस्ट सुविधा हम अपने बच्चों को दे सके वो बेस्ट सुविधा हम देने की तरफ पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे जब से हमारी सरकार आई है हम लगातार अपने मदरसा एजुकेशन को, अपने माइनॉरिटी एजुकेशन को, अपने माइनॉरिटीज़ के इंफ्रा डेवलपमेंट को पूरे ईमानदारी से इसके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा हमारा मदरसे का बच्चा भी मदरसे से निकल के समाज के मुख्य धारा में आएगा, वो आईएएस आईपीएस सिविल इंजीनियर डॉक्टर ऐसे जगहों पे जाएगा और हमारे कौम का नाम, हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन करेगा। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।